टीम इंडिया ने राजकोट के मैदान पर वेस्टइंडीज टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पारी और 272 रनों से हराया। क्रिकेट में पारी के अंतर के लिहाज से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बता दें, इस मैच में बतौर कप्तान विराट कोहली ने अपने करियर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। इस खास उपलब्धि के हासिल करते ही टीम इंडिया के रन मशीन कोहली ने कई भारतीय दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 649 रनों पर अपनी पारी घोषित की, जिसके बाद विंडीज टीम की पहली पारी 181 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया। बता दें, ये पांचवा ऐसा मौका था जब विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में विरोधी टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया। इस मामले में वो अब धोनी, गांगुली, गावस्कर जैसे दिग्गज कप्तानों को पीछे छोड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सौरभ गांगुली ने अपनी कप्तानी कार्यकाल में विपक्षी टीमों को 4-4 बार, तो वहीं राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने अपनी कप्तानी कार्यकाल में विपक्षी टीमों को 3-3 बार फॉलो ऑन खेलने के लिए निमंत्रण दिया था। जहां तक इस रिकॉर्ड की बात है तो इस लिस्ट में कोहली दूसरे नंबर पर आते हैं। बता दें, बतौर कप्तान अपनी विरोधी टीम को सबसे ज्यादा बार फॉलो ऑन खेलने के लिए निमंत्रण देने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है। अजहर ने अपनी कप्तानी में एक कारनामा 7 मौकों पर किया है।